आप डिस्कनेक्ट मत होइए, वीडियो डालिए, हम लोग आपका वेट करते हैं, हम लोग आपका वेट कर। सुना, ये इनको सोने ही नहीं दे सकते, देख सकते हैं तो सोया हुआ था मेरा बेटा, उसको उठा दिए पुच्छी कर करके, अब चढ़ रही है दोनों भाई बहन का प्यार। चढ़ जाओ ऊपर एकदम, बदमाशी बदमाशी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची स्वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पता था कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा लेट सोई थी और सुबह उठना था एकदम जल्दी जल्दी, क्योंकि लड्डू का स्कूल था। और यहाँ पे क्या हुआ ना, मेरी मेड भी नहीं आई जो झाड़ू पोछा के लिए आती है, तो मैंने सोचा चलो राजमा चावल बनाते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि बर्तन सारे धुले हुए नहीं थे, तो 2-3 बर्तन मैंने धुल लिए। और यहाँ लड्डू भी उठ के आ गया, तो लड्डू को उसके पापा मेहनत करके ब्रश करा रहे, तब तक मैं राजमा डाल करके, प्याज व्याज डाल करके राजमा में सीटी लगाती, चावल मेरा यहाँ बन गया था, चावल पसा लिया, और उसके बाद से लड्डू के लिए बना रही थी ओट्स, क्योंकि ओट्स खा के लड्डू जाएगा। और साथ साथ अनुष्का भी उठ गई थी, और यहाँ मेरा खाना खाना हो गया, तो उसके बाद से मैं चली गई थी पूजा में, सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तो आई और केला वगैरह लेके जाना मुझे, तो वो लेके गए, और उसके बाद से फिर पति देवाय में ले गोलगप्पे लेके, लड्डू अनुष्का के लिए लेके आए हैं समोसा जलेबी। और हम बोल दिए थे कि हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो उस पर आपका क्या राय है? आप बोले कि डिस्कनेक्ट नहीं होना, क्यों नहीं? व्यूअर हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपके देखना चाहते हैं, जो देखते हैं, जो वेट करते हैं ब्लॉग का, ब्लॉग का, उनके लिए तो कम से कम करना है ना, क्या कुछ वीडियो डालती हो तो कुछ पॉजिटिव सबको लगता है कि अकेले एक लड़की कैसे कर, परिवार बच्चे दो बच्चे सब कुछ संभाल के, जॉब देखते हुए सब कुछ करते हुए कर लेते, तो कुछ लोगों के लिए इंस्पायर इंस्पिरेशन हो, तो ये सब चीज़ काम नहीं करना है, डिस्कनेक्ट नहीं होना है, ठीक है? डिस्कनेक्ट हो जाओगी, अभी मैसेज आया था मेरे को भी, आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट मत होना, वही डिस्कनेक्ट हो जाओगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि लिटरली। आपकी बात बताओ, ये 2-3 दिन पहले से हम बोल रहे थे कि हमको अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, उससे मतलब थोड़ी ये ऐसा है ना कि अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि हम डिस्कनेक्ट हों तब भी, मतलब थोड़ी दुनिया में कोई फ़र्क पड़ने वाला है, हम कनेक्ट हो तभी भी दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, तो हमको अपने आप को खुश रखना है। थोड़ी है कि डिस्कनेक्ट होना मतलब कि वीडियो डालना ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आप बहुत लोग जो मैसेज किए हैं, यदि आप प्लीज़ डिस्कनेक्ट मत होइए, आप वीडियो डालिए, सुने क्या अभी? नहीं नहीं, आप डिस्कनेक्ट मत होइए, वीडियो डालिए, हम लोग आपका वेट करते हैं, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप प्लीज मत कीजिए। तो उन लोगों का बस अपना काम करेंगे, जब तक जिसको देखो, जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक तो लोग को एक साइड, आपको पता है हम जवाब देते हैं इसीलिए हम हमेशा बुरे बनते हैं। लोगों से क्या मतलब है? नहीं, अब ऐसा होता है ना कि इंसान को खुद लगने लगता है कि यार मतलब आप कुछ भी करो तो नेगेटिव कैसे हो जाता है चीज़, जबकि आप पॉजिटिव इंटेंशन से भी कर रहे हैं, तो इसीलिए देखेंगे। हाँ, ये चीज़ तो हम देख लिए हैं, अगर हम सब्जी का रेसिपी भी डालेंगे ना तो उसमें भी देख लेंगे कि तुम ऑफिस आके बैठा हूँ बिना हाथ मुँह धोए हुए, तो लोग मेरे बारे में बोले कि कैसा है कि ऐसे ही बैठ गया, लोग ये नहीं बोले कि इसका कुछ काम कर रहा होगा तो बैठा होगा, तो ऐसे सारे लोग हैं, एक सिक्के दो पहलू होती है, तो हेड एंड टेल सब सबके साथ होता है, डिस्कनेक्ट नहीं होना है, अपना काम करना है, आगे बढ़ना है। फिलहाल गोलगप्पे खा लेते हैं, रात में सोए नहीं है, थोड़ा सिर में दर्द हो गया है फिर से मेरे को, पीछे से मेरे आँख में भी पानी आ रहा है बहुत सारा क्या, आँख में तो पानी आ रहा है। आज मैं पहनी थी साड़ी क्योंकि मुझे सत्यनारायण भगवान का मतलब कथा सुनना था, तो सुन के आई मैं, और ये साड़ी इतना मतलब एक मुट्ठी वाली साड़ी है, तो मैं पहन के ऐसे बैठी हूँ, हेयर वॉश वगैरह कर ली थी बिकॉज पूजा था, तो ऑब्वियसली माथा धोना चाहिए, एंड लिपस्टिक वगैरह लगाई थी बट अभी हट चुका है, और ऐसा कुछ मन नहीं आ रहा था, जो रील वील शूट कर रहा था वो कर लिया है, बट अभी सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, शाम में बर्थडे पार्टी भी है, लेकिन देखते हैं कितने बजे क्या जाएंगे, बिकॉज कुछ भी मेरे साथ ऐसा होता है ना, जब कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होती तो मेरे साथ मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं, आई कैन नॉट प्रिटेंड, तो इसलिए थोड़ा मेरे साथ प्रॉब्लम होता है,
क्या बोल रहे थे आप, मालूम है आप लोग को? एक ममता तिवारी पांडे करके है, 1851 करके, मैसेज किया, भगवान ने अगर रंग रूप दिए होते तुम तो पानी में आग लगा देती, तो ऐसे मेंटेलिटी वाले को तो क्या बोला जाए। तो भगवान अगर मेरे को रंग रूप दिए होते, वैसे रूप तो मेरे को बहुत सुंदर दिया है और रंग भी मेरे को बहुत सुंदर दिया है। बहुत सारे गोरे गोरे लोग होते हैं, ना नक्श होता है ना नक्शा होता है, कुछ नहीं होता। और मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को कि मेरा नैन नक्श अक्ष टक्ष जो भी है सब बहुत अच्छा है। और अगर मेरे को भगवान ने गलती से अगर वैसा रंग रूप दे दिया होता तो शायद मैं भी आपकी तरह बड़बड़ा रही होती कुछ भी पागलों जैसा। तो बस इतना ही बोलूँगी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अभी तुम काली हो तो ये हो, मेरे को तो नहीं लगता कि मेरी फैमिली में कोई भी ऐसे इतना गोरा है अंग्रेज के जैसा कि आप लोग काली और गोरी कर दिए। मेरे ही टोन के ऑलमोस्ट सब लोग हैं, चाहे वो जो भी हैं, मेरे भैया या मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई, हम सब एक ही टोन के, क्योंकि इंडियन स्किन टोन ही वैसा आता है। हाँ, मेरे से थोड़ा सा लाइटर शेड होगा, लेकिन मेरे आईडी से मत कीजिए। लड़की वो यहाँ पर रिप्लाई कर दी है और लिखे अब हट भाग यहाँ से, तो मेरे आईडी से मत कीजिए क्योंकि वो सबको लगता है कि मैं ही कर रही हूँ। और जो भी है, मेरे को तो कम बुरा लग रहा है, इनको बुरा लग रहा है, इनका दिमाग गर्म है क्योंकि साथ में कोई है। सारे दुख में सुख में तो साथ रहेंगे ना। रात में आई थी मेरे पास, हम सो गए थे, वीडियो डाल के सब कुछ करके मुझे कुछ मैं इतना स्ट्रेस हो गई थी ना, स्ट्रेस्ड फील हो रहा था मेरे को। सो गाइस, आज है हमारे सोसाइटी में बर्थडे लड्डू के फ्रेंड का, तो यहाँ पे हम लोग लेके जा रहे हैं शगन का लिफाफा और एक गिफ्ट, जो कि आप लोग बहुत बार जानते हैं, हम लोग गए हैं पहले भी। चलो देख सकते हैं, और यहाँ मेरा लुक देख सकते हैं, यहाँ मेरे पतिदेव मेरे जैसा कॉम्बिनेशन ही है इनका, क्योंकि सुबह ऑफिस वही पहन के गए थे। और लड्डू अपना शूज ले क्या है ब्रश करने के लिए पापा को देख के। चलते हैं, मैचिंग मैचिंग पैंट्स आ जाओ। अनुष्का पकड़ो इसको, हम तार लेंगे। अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है, लड्डू पापा स्कूल जा चुके हैं और हमारी मेड जो है दो दिनों से धोखा दे रही है, और आज हम लोग का लेट से जगह है क्योंकि कल आयुष्मान का बर्थडे था, तो घर पे आते आते 11-12 बज चुका था। तो लड्डू को तो सुबह सुबह रेडी करके स्कूल भेज दिए लड्डू की मम्मी, नाश्ता वास्ता बना करके, अभी घर के काम में लग चुकी हैं ये। तो और अब इनका टिफिन बनेगा, मेरा टिफिन बनेगा। आपको कितने बजे तक जाना है? अभी तुरंत 10 मिनट के अंदर नहा करके। तो यहाँ पे मैं अपना बर्तन वगैरह धुल रही थी क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे बर्तन थे, और जब पता नहीं होना कि नहीं आने वाली है तो ज़्यादा हो जाते, अगर पता होता तो ऑब्वियसली रात में सब धुल के ही सोते। लेकिन इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।